एमपी के चंबल ग्वालियर से चारधाम की यात्रा पर निकली बस ओडिशा के पुरी में बड़े हादसे का शिकार हो गई। चलती बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस में सवार करीब 35 से 40 तीर्थयात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग के लपटों में घिरती जा रही बस से किसी तरह यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट के मुताबिक रेस्क्यू में सभी यात्री सुरक्षित है। घटना में यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है। सभी के रहने और खाने पीने का प्रबंध कराया गया है। वहीं एमपी सरकार ने यात्रियों को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश से ओडिशा के जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए पहुंची तीर्थयात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कोई मेन गेट, कोई खिड़की और कोई इमरजेंसी गेट से निकला। थोड़ी ही देर में बस में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और यात्रियों का उसमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। मामले की खबर लगते ही ओडिशा में बीजेपी नेता संबित पात्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। संबित पात्रा के ट्वीट के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं, कोई भी हताहत नहीं है। सभी के रहने और खाने पीने का पूरी तरह स्थानीय प्रशासन ने प्रबंध कराया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी जैसे ही इस घटना की खबर मिली, उन्होंने ओडिशा में संपर्क किया। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के सहयोग के लिए आभार भी जताया। सीएम ने कहा कि सरकार सभी यात्रियों के साथ है, हर मदद के कटिबद्ध है। जानकारी के मुताबिक बस में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। करीब हफ्ते भर पहले ग्वालियर चंबल इलाके में चारधाम और रामेश्वर की यात्रा के लिए 3 बस में तीर्थयात्री निकले थे। जिस बस में हादसा हुआ उसमें लगभग 40 यात्री सवार थे। ओडिशा में स्थानीय प्रशासन ने भी मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। घटना का शिकार हुए यात्रियों को वापस लाने का भी प्रबंध किया जा रहा है। बस सामान का और जो नुकसान हुआ क्या सामान बस का वो तो हुआ है। अच्छा उधर चिंता वहाँ पर है लोग स्कूल में है सब चला जाएगा किधर गए अच्छा चलिए सब सुरक्षित है ना सामान कुछ चला गया होगा ये तो सर महाप्रभु का कृपा है कि किसी को क्षति नहीं हुआ है आप सामान तो फिर से हो जाएगा हम शिवराज जी को फोन करके बताएंगे कि आप लोग जो है सब सुरक्षित थे और मध्य प्रदेश ग्वालियर से बस आया था हम बताएंगे सामान क्या लगा कोई बात नहीं हम वो सामान तो फिर आ जाएगा जान है तो जहान है जान वही तो महत्वपूर्ण यहाँ सब हो रहा व्यवस्था आप लोग जाकर वहाँ रहिए भोजन की व्यवस्था भी हो रही है यहाँ आपको कुछ जाने के लिए बस भी हो जाएगा आप चिंता मत अरे रोना नहीं है भगवान ने दया इधर बिल्कुल मत रो सब ठीक है बस जग गया भगवान देखो भगवान ने आप लोगों का जान बचाया ना कुछ नहीं हुआ देखिए जान हिम्मत रखो जान ज्यादा कीमती है कि सामान ज्यादा कीमती है जान बच गया ना सबका कुछ नहीं अभी हम मुख्यमंत्री जी को भी बोले कि आप सब सुरक्षित हैं बिल्कुल एकदम भगवान का धन्यवाद करिए कि सबका जान बचा है यहाँ भगवान के मंदिर के सामने सब कोई बस में से सब सुरक्षित आ गए हैं बाहर।